के जी, ये जो बच्चे थे ये बहुत गरीब थे, ये पास वाले गांव में रहते थे, हमारा जो गांव है मुरादपुर में, तो ये रोज हर रोज सुबह इतने बजे उठ के यहाँ पे आते थे, आर्मी वालों का काम करते थे, बर्तन साफ करते थे, जो भी छोटे छोटे मोटे काम होते थे आर्मी वालों के करते थे ये। अब ये सुबह आए हैं, अब ये नहीं कि अंधेरा था, ये सुबह थी, लोग यहाँ से सैर करने के लिए भी निकलते हैं। अब ये थोड़ा है कि मतलब अगर आपके बंदे आए हैं गेट के पास आए हैं तो उनको पहले रोको, भाई क्या बात है। डायरेक्ट उन्होंने गोली मारी है, एक के सीने में मारी है, एक के दिमाग में मारी है और दोनों को उन्होंने ख़त्म कर दिया। मैं आर्मी वालों से ये पूछना चाहता हूँ, आपने ऐसा किया क्यों? आप यहाँ हमारी सेफ्टी के लिए हैं या हमें मारने के लिए यहाँ पे? मैं बस यही पूछना चाहता हूँ। और जो आर्मी के आला अधिकारी हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि यहाँ पे आए और आ करके इस माहौल को यहाँ ठंडा करें। और हम डिप्टमांडर से बात करेंगे, इन बच्चों की परवरिश का बंदोबस्त करें, इनको नौकरियां दें और उसके बाद हम अपना जो धरना वापस लेंगे। ऐसे हम चाहे 10 दिन यहाँ बैठे रहें, हमारी बाड़ियां सर जाएं, कोई बात नहीं, हम यहाँ से उठेंगे नहीं। ट्रेनिंग कैंप के गेट से मिले हैं, इसके अलावा भी काफी खोखे हैं जो लोगों के पास मौजूद हैं। तो जब आपको पता चला तो आप पहुंचे यहाँ पर, तो आपने क्या देखा? डेड बॉडियां पड़ी हुई थी यहाँ पे, हमसे पहले यहाँ काफी लोग इकट्ठे हो चुके थे, आर्मी के एक सीएमपी, ये सामने सीएमपी की चेक पोस्ट है, यहाँ एक साउथ इंडियन कर्नल से मेरी बात हुई, मैं भी एक्स मैन हूँ, उससे मेरी बात हुई है। उसने जब यहाँ पे पब्लिक बगी, उसने कहा कि क्या हो गया अगर मर गए तो, ऐसा होता रहता है, इनको मौका नहीं मिला, नहीं तो इन लोगों ने अपने पास ही हथियार रख करके इनको मिलिटेंट घोषित कर देना था। तो ये जो आपको मिले हैं, ये उनकी उनके जो फायर किया उनके खाली खोखे हैं, केस हैं ये, तो ये देख लीजिए। आप भी आर्मी में? हाँ जी, हम भी, हम भी। ये किस गन के? ये असास के। हाँ जी, तो अब आप क्या कहना चाहिए? हम इस चीज की पूरी तहकीकात होनी चाहिए, आर्मी के चीफ यहाँ पे आने चाहिए, इन लोगों को इंसाफ मिलना चाहिए, आगे के लिए ऐसी कोई गठनी ना हो, इसके लिए सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए।